अगर हम आपको मार रहे हैं, अब आप पूरा भीड़ मिला करके हमको मार दीजिए, ये भारत का कानून नहीं कहता है। और अगर बाजार में घटा तो बाजार में घटित घटना के लिए आप पथराव कहां करेंगे? ठाकुर मोहल्ला में जाकर के। कर कौन रहा है? सबसे पहले ये देखिए किस समुदाय के लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट होता है, कौन करवाता है? मनीष जायसवाल करवा देता है क्या? प्रशासनिक व्यवस्था सेल नहीं है, एक समुदाय के विशेष के लिए के सामने नतमस्तक है। आज हिंदू समाज के लोग वहां पर मार खा रहे हैं, सभी लोगों को आना चाहिए, सभी दल के लोगों को आना चाहिए। सरकार के इशारे पर जो है अगर पुलिस काम करेगी तो यही होगा जो अभी घटना अभी जो हुआ है। कल की जो घटना घटी है ठाकुर मोहल्ला, उस संबंध में बीजेपी क्या कर रही है? देखिए यहाँ बीजेपी, आपको यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बीजेपी के लोग हैं, और हम यहाँ के सांसद होने के नाते हमको जैसे खबर मिला, हम लोग रात में आकर के और माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। एक जिम्मेवार सांसद होने के नाते हमने सबसे पहला काम जो हमने सुनिश्चित करना चाहा कि शांति बहाल हो, उसके बाद हम लोग आकर के फिर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग करें। लेकिन शांति यहाँ क्या बहाल होगा? बड़कागांव पुलिस नाकाबिल साबित हुई, इसीलिए फिर से उनके सामने पथराव फिर से हुआ। अब हम लोग यहाँ पर अपनी मांग को रख रहे हैं, एक जो सक्षम विपक्ष है उसकी भूमिका में हम लोग हैं कि भाई हम लोग आपको जगा सकते हैं, हम लोग आपको कानून का आईना दिखा सकते हैं कि भाई आप पुलिस को सरकारी दबाव में या किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए। पुलिस को जो अच्छा है वही काम करना चाहिए, जो न्यायपूर्ण है वही काम करना चाहिए। आपने रघुवर दास के शासन में भी देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर टाइट था, तो जब शासन सत्ता जब टाइट रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी टाइट रहेगा और सभी के लिए टाइट रहेगा। लेकिन जब शासन ढीला हो और आप वोट का तुष्टीकरण करेंगे, सरकार के इशारे पर जो है अगर पुलिस काम करेगी तो यही होगा जो अभी घटना अभी जो हुआ है। मैंने यहाँ के थानेदार से जानने का प्रयास किया कि भाई आप के रहते हुए कैसे हो गया, छत पर पत्थर क्या करने के लिए था? मान लिया आज मेरा छत है तो यहाँ पत्थर किस लिए हम जमा करके रखेंगे? मेरे नियत में कोई ना कोई खोट है, पूरा जो सड़क है पत्थर से पटा हुआ है। तो ये सब देखने की चीजें हैं, और यहाँ बड़कागांव पुलिस को जागने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। दोबारा जो पथराव हुआ है, दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि बाजार में एक दुकानदार को दुकान में मारपीट कर दिया, सामान लूटपाट कर दिया। देखिए पहला तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, और दूसरा है कि अगर कोई घटना होता है तो उसका कानून का सहारा, अगर किसी को मारा उसको लिख करके थाना में देना चाहिए था। अगर हम आपको मार रहे हैं अब आप पूरा भीड़ मिला करके हमको मार दीजिए, ये भारत का कानून नहीं कहता है। भारत का कानून ये कहता है कि अगर हम पीड़ित हैं तो हम थाना जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे और अपना न्याय लेंगे करेंगे। ऐसे हमारे पास तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि ऐसी कोई घटना यहाँ जो है घटी है। और अगर बाजार में घटा तो बाजार में घटित घटना के लिए आप पथराव कहां करेंगे? ठाकुर मोहल्ला में जाकर के। देखिए मेरी एंट्री होने से इस मामले को हवा मिलता है। कर कौन रहा है? सबसे पहले ये देखिए किस समुदाय के लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। आपको सबसे पहला बात हम ये बताना चाहते हैं, कोई भी यज्ञ का जो कलश यात्रा निकलता है उससे शुद्ध चीज कोई हिंदू धर्म में दूसरा कुछ भी नहीं होता है।
सारी महिलाएं, सारी बेटियां, सारी बच्चियां सह करके, उपवास करके, सर पर कलश लेकर के पूर्ण आस्था के साथ जाती है। उसके साथ मारपीट होता है, कौन करवाता है? मनीष जायसवाल करवा देता है क्या? कि किनके लोग करवाते हैं, कौन लोग करते हैं, किसके लोग हैं? आज हिंदू समाज के लोग वहां पर मार खा रहे हैं। सभी लोगों को आना चाहिए, सभी दल के लोगों को आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हम तो अपना एक रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि के नाते उस समय भी आए थे, आज भी आए हैं, और जब जब कानून अपना काम, आज अगर कानून अपना काम करता, कल पथराव हुआ था, जो दोषी था उसको पकड़ा जाता, जो FIR होता, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आते घायल को देखने के लिए, हम देख करके मिलके उसका उचित इलाज करा के चले जाते। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस के सामने में पत्थर चल जा रहा है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग को बैठे रहना चाहिए? इसलिए यहाँ के लोगों ने हमको चुन के भेजा है। बिल्कुल, प्रशासनिक व्यवस्था फेल नहीं है, एक समुदाय के विशेष के लिए के सामने नतमस्तक है। फेल मत बोलिए, किसी एक समुदाय विशेष के लिए प्रशासनिक व्यवस्था नतमस्तक है। तो आप देखिएगा कि डायरेक्टली बड़कागांव पुलिस के हाथ में बहुत कुछ है नहीं। बड़कागांव पुलिस इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के यहां पर जो है उन्माद फैला हुआ है। एक समुदाय विशेष के लोग दमन करने का काम कर रहे हैं। अब उसका एक बर्निंग एग्जांपल देखिएगा कि कल रात में 9 बजे का घटना है, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस के उपस्थिति में फिर 11 बजे दिन में फिर से पथराव हो जाता है, और पुलिस पर भी पथराव होता है। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि भाई पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, जो लोकल थाना है उसका कोई कंट्रोल यहाँ पर है नहीं। अभी तक घटना को लगभग 12-14 घंटा हो गया है, बल्कि कहिए 15-16 घंटा हो गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार इसमें नहीं हुआ है। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई आप न्याय कीजिए, आपका काम राजनीति करना नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम क्लियर आप पर, आपके सामने में आरोप लगाते हैं कि यहाँ का जो पुलिस है, बड़कागांव की पुलिस, वो सरकार के दबाव में है। JMM, कांग्रेस और RJD की जो सरकार है उसके दबाव में है, और इसीलिए उनको खुश करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। ये आरोप हम सीधे सीधे यहाँ के पुलिस प्रशासन पर लगाते हैं, और साथ ही साथ ये मांग भी करते हैं कि जो दोषी है इन सभी केसेस में, जितना भी अभी हमने केस बताया, इन सभी केसेस में जो दोषी लोग हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कानून के दायरे में लाया जाए, ताकि न्याय हो सके।